हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है नीचे की तरफ क्लोजर दिखाया, एंड वही नहीं जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो भी हमने रीटेस्ट करते हुए देखा पिछले 24 आवर्स में। तो इसका जो इंपैक्ट है बाकी के ऑल कॉइन्स पे भी पड़ते हुए हमें दिखा, स्पेशली इन डॉलर टर्म्स एंड बीटीसी के टर्म में कहीं ना कहीं स्पाइक जरूर देखने को मिला, क्योंकि जो हमारा डोमिनेंस चार्ट है वो कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ दिखा। तो जानेंगे डिटेल में आज के वीडियो में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है, स्पेशली जब वीकेंड हो गया और यहाँ पे जब फ्राइडे का क्लोजर मिला तो वो सीएमई के फ्यूचर के चार्ट पे क्या कहता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और विदाउट लर्निंग या विदाउट एक्सपीरियंस मैं आपको कभी भी ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, आप बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन का चार्ट। जी हां, कल के दिन बिटकॉइन ने जो है स्पॉट के आप अगर देखोगे चार्ट पे तो $60,702 पे क्लोजर देखने को मिला, वहीं जो पीक था $60,757 रीच करता हुआ देखा। आज अभी इस वक्त सुबह से जब से मार्केट स्टार्ट हुआ वहां से जो है लगभग 1.31% का अभी बिटकॉइन में रिकवरी देखने को मिला है। तो फ्यूचर के चार्ट पे अगर देखें तो फ्यूचर के चार्ट पे हमें जो क्लोजर मिला वो मिला $61,080, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हाईएस्ट जो रीच किया था $63,950। तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मंडे ऑनवर्ड्स हमें इसी लेवल में जो है प्राइस देखने को मिल सकता है। इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे जो बॉटम लेवल बना था वो $60,210 था। तो इन दो लेवल के बीच में अगर बिटकॉइन नहीं रहता ओवर द वीकेंड तो डेफिनेटली हमें सीएमई गैप देखने को मिल सकता है, और मेरा पर्सनली मानना है कि शायद इस वीक हमें सीएमई चार्ट पे कहीं ना कहीं गैप देखने को मिल सकता है। पिछले कई वीक से हमने कोई गैप नहीं देखा है, बिटकॉइन काफी स्टेबिलिटी दिखाई है वीकेंड में, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है? देखो, चाहे डाउनवर्ड मूव आए या अपवर्ड मूव आए, हमें यही देखना है कि जो लेवल मैंने बताया उस लेवल से नीचे नहीं क्लोज होना और उस लेवल के ऊपर नहीं क्लोज होना। अगर वहां पे सीएमई गैप बनता है तो वो इमीडिएटली जो है उसी वीक फुलफिल होने की कोशिश करेगा, इस बात को याद रखना। और वहीं पे बात करूं अगर वन डे के चार्ट पे, तो वन डे के चार्ट पे आपको क्लियर कट अभी डाउनवर्ड मूव दिख रहा है। तो अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो शायद मंडे ऑनवर्ड भी प्राइस में थोड़ा बहुत हमें साइडवेज एक्शन दिख सकता है। क्या यहां से रिकवरी नहीं आ सकती? तो ऑब्वियसली आ सकता है, दिस इज समथिंग टू डेज का मूव है इसमें बिटकॉइन के चार्ट पे, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है। और जो स्पॉट का चार्ट है उससे थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा बुलिश है हमारा जो फ्यूचर का चार्ट है। तो क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो स्पॉट का चार्ट है वहां पे आरएसआई काफी नीचे आ गया, 61 के लेवल को हमने रीटेस्ट कर लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो है अराउंड 58-60 के अराउंड में। तो ऑलमोस्ट हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं आरएसआई वाइज, एंड सकोस्टिक आरएसआई भी काफी नीचे आ गया। तो यहाँ पे अब एक दो दिन जो है साइडवेज एक्शन दिखा सकता है बिटकॉइन, क्या यहाँ पे क्विक रिवर्सल आ सकता है? देखो, मार्केट है, कोई क्विक वॉल्यूम आया तो आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये वीकेंड है, वीकेंड में ऐसा एक्सपेक्टेड कम होता है। ऑल दो जो मोमेंटम की बात है तो मोमेंटम जो है अभी थोड़ा सा लूज किया है बिटकॉइन ने, तो यहाँ पे जिस लेवल की बात मैंने कल के दिन कहा था सपोर्ट लेवल की, वो कहीं ना कहीं रीटेस्ट करता हुआ दिखा। और मैंने रिसेंटली आपको वीडियोज में बताया था कि 2014 में ऐसा कुछ मूव हमें देखने को मिला था बिटकॉइन में, जहां पे एग्जैक्टली 2013-14 के बुल रन में आप अक्टूबर के मंथ में आप अगर कंपैरिजन करोगे तो कुछ वैसा ही मोमेंटम देखने को मिला था इस वीक के अराउंड में। और अगर ऐसा कुछ चला तो हम कुछ ऐसा रिप्लिकेट कर सकते हैं, और टू बी फ्रैंक अभी तक हमने कुछ वैसा ही मूव दिखाया है। ऑल दो वहां पे 24 अक्टूबर को एग्जैक्टली 21 ईएमए टेस्ट कर लिया था, और एक उस दिन गिरने के बाद अगले दिन थोड़ा ऊपर और उसके अगले दिन और ऊपर जो है अल्टीमेटली हमें देखने को मिला प्राइस टच करता हुआ। वहीं क्लोजर जो था वो बैक टू बैक 3 डेज रेड कैंडल था। तो ये जो था उसके बाद उस वीक के बाद जो है कंपैरेटिवली आप साइडवेज एक्शन देखे बिटकॉइन में, और उसके बाद फिर से अगला मूव देखने को हमें मिला था। तो ऐसा कुछ फ्रैक्टल एनालिसिस जरूर सजेस्ट कर रहा है, और हम कुछ वैसा ही प्ले आउट कर रहे हैं। ये दो दिन हमने रेड कैंडल दिखा दिया, क्या तीसरा रेड कैंडल 58,000 का लेवल टच करेगा, यानी कि आज या कल का, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑल दो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई चार्ट जो होता है वो अगर अप ट्रेंड में होता है तो जनरली देखा गया कि जब वो ऊपर का पीक बनाता है वहां से वो 0.236 का लेवल टेस्ट करता है, साइडवेज एक्शन दिखाता है और अपसाइड चला जाता है। फ्रैक्टल एनालिसिस के हिसाब से ये लेवल पॉसिबल है आराम से 58,000 का लेवल, लेकिन क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं होता, क्योंकि स्पेशली जैसे वॉल्यूम देखने को मिलेगा वैसे ही हमें क्विक मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
यहां पे अगर मैं बात करूं वीकेंड में क्या ये पॉसिबिलिटीज ले सकता है इस जगह पे जाने के लिए, तो हाई पॉसिबिलिटीज अगर वीकेंड में नहीं लेता तो वीकडेज में थोड़े से चांसेस कम हो जाएंगे, स्पेशली जब हाई लेवल ऑफ वॉल्यूम आएगा बिटकॉइन में। तो यहाँ पे एक और लेवल बताना चाहूंगा 4 आवर के चार्ट पे, लेकिन उससे पहले 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं लेके चलूँ तो 1 आवर के चार्ट पे अभी भी हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, जो अभी रिसेंटली हमने डाउन ट्रेंड बनाना शुरू किया। 200 EMA लाइन वापस से रीटेस्ट करेंगे जो कि अराउंड का फिगर है 61,600 का, और हम अभी उसी लाइन पे स्ट्रगल कर रहे हैं। RSI जो है अभी 50 के नीचे बना हुआ, तो 50 के ऊपर आना होगा अगर हमें इस ट्रेंड जोन से बाहर आना है। एंड डेफिनेटली सकोस्टिक RSI अभी बहुत तेजी से ऊपर आया पिछले कुछ आवर्स में, तो इंटरेस्टिंग होगा अगले 2-3 घंटे के बाद, यानी कि ये जो आवर है इसके क्लोजर तो इंपॉर्टेंट है, उसके अगला जो 4 आवर है क्या हम इस रेड लाइन के ऊपर यानी कि 61,600 के अबव कहीं पे भी क्लोजर ले पाते हैं। अगर अगले 4 आवर में हम इस लेवल के ऊपर बन जाते हैं तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम फिर 62,600 का लेवल भी रीटेस्ट करते हुए देखें अगले 24 आवर में। वही 4 आवर के चार्ट पे यहां पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि अब यहां पे W पैटर्न ऑलमोस्ट रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगला जो 4-8 आवर है उसमें इंटरेस्टिंग होगा कि 20 लेवल क्रॉस करता है, जैसे ये 20 लेवल क्रॉस करेगा देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि हम RSI में 50 के अबव बन जाए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें बिटकॉइन जो है अगले 24 आवर में आराम से 62,500 या उससे ऊपर क्लोजर दे सकता है। लेकिन याद रखना अभी हम रीटेस्ट कर रहे हैं और रीटेस्ट फेल हो सकता है, यहां से फेल होने का मतलब नेक्स्ट लेवल जो अब सपोर्ट जो है 4 आवर के चार्ट पे वो 58,861 का ही है, क्योंकि हमने अभी प्रीवियसली जितने भी सपोर्ट लेवल थे उसको ब्रेक कर लिया। एज पर जो अगर आप फेब लेवल की बात करूं तो फेब लेवल जो रिट्रेसमेंट दिखा रहा है वो अगला लेवल ऑफ सपोर्ट जो है 56,500 के अराउंड में, क्या वहां तक जाएगा? फॉर मी इट सीम्स ऑलमोस्ट बहुत डिफिकल्ट होगा बिटकॉइन के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अभी कैसे बिहेव करता है अगला 4-8 आवर। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हम डेफिनेटली 58,000 जाने वाले हैं अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है। अदरवाइज अगर ये इस चैनल में वापस से चला जाता है RSI जो अगले 8 आवर्स के अंदर जो है 50 के अबव चला जाता है या साइडवेज एक्शन दिखाता है और सकोस्टिक RSI अपसाइड चला जाता है, तो देर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज कि हम वापस से 62,500 का लेवल टेस्ट करें एंड फिर उसके बाद डिसाइड करें कि हम रिजेक्ट होते हैं या नहीं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है मार्केट में आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ओवरऑल जो डेली का क्लोजर मिला है वहां से जिस हिसाब से बाउंस बैक दिखा रहे हैं, देर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम साइडवेज एक्शन दिखाएं ओवर द वीक। अब यहाँ पे साइडवेज एक्शन का मोमेंटम अगर बनता है तो ऑल्ट कॉइन में क्या हो सकता है उसकी बात जरूर करूंगा मैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस ट्रेंड लाइन की तो हमारा जो एग्जैक्ट लेवल है यानी कि जो बॉलिंजर बैंड का जो बॉटम लेवल जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो हमारा फाइनली टेस्ट हो गया, और वो नीचे का सपोर्ट लेवल जो है 60,300 के अराउंड में बना हुआ है। पिछले कई दिनों से मैं बता रहा हूँ कि देर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम इस लेवल को नीचे जाके टेस्ट करें या वेट करें या साइडवेज एक्शन दिखाते हुए इसको टेस्ट करें। तो अब जो है कल के दिन हमने एग्जैक्टली इस लेवल को टेस्ट कर लिया। तो पहला सपोर्ट लेवल जो इस के हिसाब से देखूं अगर अगले 2 दिन में हम इसके अंदर नहीं आते यानी कि टुवर्ड्स 58,400 नहीं जाते हैं गाइस, तो देयर इज अ ह्यूज डिफिकल्टी कि वो नीचे फर्दर जाएगा। और जब भी ऐसे अप ट्रेंड में जाते हैं तो जनरली आप देखोगे यहाँ पे स्पाइक लेता है, मिडिल लाइन को टच करता है और उसके बाद स्पाइक लेकर ऊपर चला जाता है। जब अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो कुछ ऐसा मोमेंटम होता है, वही डाउन ट्रेंड में अगर होता है तो वो ऑब्वियसली इस लेवल को टेस्ट करने चला जाएगा 5,500-8,000 को। और अगर इस लेवल को टेस्ट करने जाते हैं तो फिर और नीचे के लेवल भी पॉसिबिलिटीज ओपन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से हम अभी काफी सेफली बिहेव कर रहे हैं। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो में 58,000 जरूर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां से क्विक रिवर्सल यानी क्विक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के प्राइस में। तो ये चार्ट काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं जब से ब्रेकआउट हुआ है यहां से, और अभी जो है इस लेवल को फाइनली 1 अक्टूबर के बाद हमने टेस्ट किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड डेफिनेटली इस लाइन को भी हमने ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया कल के दिन जो कि 59,000 के आसपास का लेवल है, तो डेफिनेटली यहां से अब कहूँ तो रीटेस्ट डन कर लिया है बिटकॉइन ने। अब यहाँ से अगर अपसाइड मूव दिखाता तो और ज़्यादा बहुत एग्रेसिव मूव बिटकॉइन दिखा सकता आने वाले दिन में। एंड वहीं मैं बात करूँ इस लेवल पे तो आप देखोगे कल के दिन मार्केट गिरा, थोड़ा सा टेल जरूर नीचे गया, लेकिन एग्जैक्टली इस लाइन का सपोर्ट टेस्ट करता हुआ चला गया और क्लोजर इस लाइन के ऊपर। और आज इस वक्त ऑलरेडी ओपन हुआ है कैंडल इसी जोन में यानी कि बॉटम लेवल से, तो अपर जोन कहां तक बनता है 66,500 का लेवल बनता है। इसीलिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ओवरऑल एक पैटर्न बता देता है कि वो इस पैटर्न में ट्रेड कर सकता है। और इंपॉर्टेंट होगा अगला 2 दिन की हम इस ट्रेंड जोन से बाहर आ जाते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं या फिर यहाँ पे बॉन्स लेके हम इस जोन में जाने की कोशिश करते हैं आने वाले 1 वीक में। तो इंपॉर्टेंट होगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा, और ये जो है अगला 24-48 आवर आपको बता सकता है। अगर ये क्लोजर जो है इसके नीचे मिलता है, इस जोन में आता है, तो हम कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर का पार्ट बन जाएंगे एंड फिर थोड़ा सा बिटकॉइन लंबा टाइम लेगा रिकवरी में अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। जो भी होगा मैं बताऊंगा कल के टीए वीडियो में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस चार्ट पे तो इस चार्ट
पे हम ऑब्वियसली 45 डिग्री ब्रेक कर दिए हैं और अब जो है रेजिस्टेंस लाइन हमारा 63,300 का बना हुआ है, अपर जोन वहीं साइडवेज एक्शन लेता हुआ है, यहाँ से ये अगला 3-4 दिन मूव दिखा सकता है और इस जोन में जा सकता है। अदरवाइज नीचे का आज की बात करूँ तो $52,209 जो है मेजर सपोर्ट लाइन होगा एज पर दिस चार्ट। डायरेक्ट जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। वहीं वीकली चार्ट पे वी आर डूइंग साइडवेज एक्शन एंड जिस हिसाब से साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी की अभी डोजी कैंडल जरूर बना हुआ है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्लोजर कैसा मिलता है, इंडिसिसिव कैंडल होता है तो कैसे बिहेव करता है। अभी हमारा जो ये एरिया है वो काफी लंबा है। अपर जोन की बात करूँ इस वीक का तो वो 70,000 अभी भी बना हुआ है, वहीं नीचे जोन की बात करूँ तो 54,800 के राउंड का फिगर है। तो ये तो हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है। बाकी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन पे सीपीआर चार्ट क्या कह रहा है, सीपीआर चार्ट काफी टाइट चल रहा है पिछले कई दिनों से देखा गया है एंड मोमेंटम जरूर डाउनवर्ड बना हुआ है, स्पेशली जब 200 EMA लाइन के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो अब जाके हम 200 EMA लाइन के ऊपर जरूर आए। इंटरेस्टिंग होगा कि हम 61,865 के बाद कैसे क्या बिहेव करते हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लोजर लेते हैं यानी 200 EMA लाइन के ऊपर क्लोजर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा अगले 24 आवर का वो 63,000 हो सकता है। अदरवाइज जिस लेवल पे हम अभी हैं वहां से अगर ब्रेक होते हैं तो ऑब्वियसली सपोर्ट लेवल अगेन 60,000 होगा और अगर वो ब्रेक करते हैं तो $59,138 टेस्ट करता हुआ दिखेगा। और कल के दिन जब हम ब्रेक किए हैं इस सपोर्ट लाइन को तो क्या हुआ, इसीलिए मैं कहता हूँ सीपीआर चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जैक्टली जो है फ्लोर बता दिया इस जोन तक जा सकता है। अब ये टूटेगा तो यहाँ पे यहाँ तक जा सकता है, वो लेवल भी अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो उसके नीचे का लेवल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सीपीआर चार्ट का बिहेव करता है और एक आप सीपीआर चार्ट के बेस पे भी जो है चीज़ों को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को बहुत शॉर्ट आवर में चीज़ों को बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर पाओगे। एंड डेफिनेटली जो है बात करूँ डोमिनेंस चार्ट की तो डोमिनेंस चार्ट डेली चार्ट पे ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो कल के दिन मैंने कहा था कि देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 21 EMA जब हमारा यहाँ पे टेस्ट होगा तो कैसे बिहेव करेगा। तो अब हम पिछले 3 दिनों में बैक टू बैक ड्रॉप दिखाएं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा और इसी वजह से थोड़ा बहुत ऑल्टकॉइन BTC टर्म में आपको बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट कैसे काम करेगा ये इंपॉर्टेंट होगा। एंड क्या हम 43.98 का लेवल ब्रेक करेंगे वन डे के चार्ट पे, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, मेरा मानना है कि हो सकता है 45.84 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं। आज 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें तो क्विक आवर में आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, यहाँ पे कंटिन्यूसली जो ड्रॉप देखने को मिला वो ऑलमोस्ट फुलफिल हो गया, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मोमेंटम अब अपसाइड की तरफ दिखाएगा। स्पेशली जो है हम 45.45 का लेवल आने वाले आवर्स में टेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये होगा कि हमें बाउंस बैक कहाँ पे देखने को मिल सकता है, स्पेशली 4 आवर के चार्ट पे हमें शॉर्ट का पोजीशन देखने को मिला है काफी दिनों के बाद, लगभग 24 सितंबर के बाद, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपको याद होगा ये जस्ट अभी रिपोर्ट हुआ है, ये अभी क्लोजर नहीं मिला है और यहाँ पे सकोष्टिक RSI की बात करूँ तो रिवर्सल दिखा रहा है। तो अगला जो 4 to 8 आवर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर यहाँ पे सकोष्टिक RSI रिवर्सल लेता है और RSI 30 का लेवल ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका है, अगर हम अपसाइड जाते हैं टुवर्ड्स 50 और उसके अबव जाते हैं तो गाइज फिर से हम न्यू हाई क्रिएट करेंगे। बट एक चीज जरूर है कि ये जो है काफी दिनों के बाद शॉर्ट पोजीशन बनाया 4 आवर के चार्ट पे, तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये शॉर्ट पोजीशन कुछ ऐसा बन के रह जाता है जैसा लास्ट टाइम हुआ था या फिर ये वाकई नीचे लेके जाता है, जब भी चार्ट पे कंफर्म होगा चीजें मैं जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी अगर एग्जिट किए हो तो एग्जिट में ही रहो, बिटकॉइन में ही रहो। 10% फंड अभी भी आपका 10-20% फंड ऑल्टकॉइन में लगा हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस टाइम टू टाइम आगे एडजस्ट करते रहो। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये बन रही है कि अगले 2-3 दिन तक हम इस जगह पे रह सकते हैं एंड उसके बाद हम हाई स्पाइक दिखा सकते हैं। मेरे हिसाब से हम आज के दिन जरूर 45.61 या 81 का लेवल जो है रीटेस्ट करने जा सकते हैं, स्पेशली सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने के लिए। इंटरेस्टिंग ये होगा कि 200 EMA लाइन पे कैसे बिहेव करता है जो कि 44.60 है और वहां तक जा पाता भी है क्या, क्योंकि यहाँ पे अभी जिस लाइन को हमने ब्रेक किया वो अब हमें रेजिस्टेंस जरूर देगा, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोजर मिल जाता है 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक आने वाले आवर्स में 44.53 के अबव तो फिर जरूर यहाँ पे वापस से हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी चीजें वीकली चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये जरूर रेड कैंडल बना हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एग्जैक्टली 21 EMA लाइन के ठीक ऊपर बने हुए हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसा कुछ मोमेंटम ठीक अक्टूबर 2017 में पहले भी हो चुका है, तो अगर ऐसा कुछ हम प्ले आउट कर रहे हैं तो अगला वीक बहुत तेज स्पाइक फिर से आ सकता है। तो अभी
और वीकली चार्ट पे भी चीजें जो है सेफ नहीं है, ऊपर की तरफ जाता हुआ ही दिख रहा है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। सकोष्ठी आरएसआई हो या मैकडी, बात करूं मैकडी भी काफी एग्रेसिव दिखा रहा है वीकली चार्ट पे। आरएसआई जरूर 50 के अबव जो जाने की कोशिश कर रहा है, तो रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है, बट ऐसा कुछ मोमेंटम हमने 2017 में भी दिखाया था, लगभग लगभग ऐसा ही कुछ, जहां पे हम थोड़ा बहुत सफर किए थे एंड फिर वहां से स्पाइक दिखा दिया थे। तो क्या ऐसा कुछ होगा वो तो आने वाला टाइम ही कंफर्म करेगा, बट अगर आप साइड में हो साइड में ही रहो, और अगर आपका कुछ फंड लगा हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस जरूर आप रिकंसीडर करते रहो, ऊपर की तरफ मूव करते रहो। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे जब तक चीज़ें वीकली चार्ट पे कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कोई भी एंट्री नए सिरे से ऑल्ट कॉइन में। यहाँ पे बात करूँ इथीरियम की, तो इथीरियम ने कल के दिन काफ़ी उठा पटक किया है, काफ़ी स्ट्रगल किया है, और फाइनली जाके ये 0.5% का ग्रोथ दिखाया है और 0.065 के अराउंड में क्लोजर लिया। और इंटरेस्टिंग यही लेवल है, क्योंकि अभी वापस से हम 0.066 का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं बैक टू बैक। सकोष्ठी आरएसआई की बात करूँ, अपर जोन में काफ़ी ज़्यादा आ गए, तो यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट जरूर बनता है, लेकिन आरएसआई जो है वो जस्ट 50 के अबव फ्लैश कर रहा है, क्लोजर नहीं है। कल का क्लोजर था 50 लाइन के ऊपर, अभी हम चल जरूर रहे हैं, तो क्लोजर इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे बिहेव करता है। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिजेक्ट होने की कोशिश करे, लेकिन अगर ये सपोर्ट ले लेता अगले 3-4 दिन तक इस लेवल के ऊपर, 55 के अबव मूव दिखाना शुरू कर देता, तब हम चीज़ों को लेके ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, स्पेशली ऑल्ट कॉइन को ओवरऑल लेके। लेकिन अभी फिलहाल हम रेजिस्टेंस लाइन के अंदर बने हुए हैं, क्लोजर जरूर हमें अच्छा मिला है पिछले कई आवर्स में, लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो सकोष्ठी आरएसआई चीज़ें दिखा रहा है उस हिसाब से हम अभी थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखाएंगे, और इट क्वाइट पॉसिबल कि हम 0.065 का लेवल आने वाले आवर्स में भी टेस्ट करेंगे। वहीं 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूं, तो 4 आवर के चार्ट पे जो है मेजर रेजिस्टेंस 0.066 का लेवल है, वो जरूर अभी भी प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है, और हम अगर रिजेक्ट होते हैं तो यहाँ पे वापस से उसी ट्रेंड जोन के अंदर आ जाएंगे। तो इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे क्या बिहेव कर रहा है सकोष्ठी आरएसआई, 4 आवर के चार्ट पे नीचे जाता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन आरएसआई जो है 50 के अबव बना हुआ है, इसीलिए साइडवेज एक्शन में भी आपको ग्रीन मोमेंटम दिख रहा है। सपोर्ट लेवल 0.0648 के आसपास 4 आवर के चार्ट पे बना हुआ है, तो इंटरेस्टिंग होगा बिटकॉइन के मूव के साथ इथेरियम कैसे बिहेव करता है। स्पेशली कल की बात करूँ डॉलर पे, तो डॉलर पे हमें क्लोजर देखने को मिला नीचे, क्योंकि बीटीसी के टर्म में जरूर थोड़ा सा अपसाइड गया, लेकिन उसके कंपेरिजन में बिटकॉइन ने ज्यादा मूव डाउनवर्ड दिखाया, इसलिए 2% का ड्रॉप दिखाया क्लोजर के साथ $39.72 पे। वहीं लोएस्ट जो रीच किया $38.82 के आसपास, तो अभी हम वापस से इस रेंज में 37.24 या 38.00 का लेवल जरूर रीटेस्ट कर सकते हैं। आज के दिन बिटकॉइन अभी अप जा रहा है, इसलिए आपको ये अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। वहीं पे मैकडी जरूर बुलिश बना हुआ है, लेकिन आरएसआई जो है वो साइडवेज एक्शन लेते हुए हायर लो हायर हाई मेंटेन किया हुआ, जैसे बिटकॉइन मेंटेन किया हुआ। तो बिटकॉइन में जैसे जैसे मूव आएगा, वैसे वैसे डॉलर में चीजें इंपैक्ट होगी, और उसका डबल बेनिफिट तभी मिलेगा जब बीटीसी के चार्ट पे इथेरियम बढ़ता हुआ नजर आएगा, और अभी जो है इथेरियम जरूर बीटीसी चार्ट पे ग्रोथ दिखा रहा है। तो इंटरेस्टिंग है कि आज का क्लोजर कैसे मिलता है, एंड अभी ओवरऑल जो है मैं फिर से बोलूंगा इथीरियम अभी मूव दिखाया है, इसलिए आपके बाकी के ऑल्ट कॉइन भी थोड़ा बहुत सांस ले रहे हैं, कुछ कुछ काफ़ी ज़्यादा स्पाइक दिखा रहे होंगे, लेकिन अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन के साथ स्टिक रहो जब तक मार्केट में क्लियर कट इंडिकेशन ना दिखाए, क्योंकि वीकली चार्ट पे फैक्ट रिमेन फैक्ट, क्योंकि वीकली चार्ट पे आप इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे अगर देखोगे तो जी हाँ ग्रोथ जरूर दिख रहा है, लेकिन अभी भी हम लोअर हाई मेंटेन किए हुए हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है। और अभी जो है चीज़ें डब्ल्यू पैटर्न ऑलमोस्ट बनने वाला, तो इस हिसाब से तो अगले 2 वीक के अंदर जो है हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है इथीरियम में, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा। क्या यहां से मिल सकता है? पॉसिबल है, स्पेशली वीकली क्लोजर कैसा होता है, 50 के अबव अभी भी हम मेंटेन किए हुए हैं लेवल, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन जैसे बिटकॉइन में मूव आता है उसके बाद कैसे बिहेव करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि याद रखना ऑल्ट सीजन तब है जब बिटकॉइन का सीजन, और बिटकॉइन जो है पिछले 7-8 महीनों से सेम लेवल पे हम झूल रहे हैं, और टू बी फ्रैंक हम 10 महीनों से सेम लेवल पे हैं बिटकॉइन में, 60,000 से अब अभी जस्ट थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया है। तो अब इस साल में बिटकॉइन मूव नहीं दिखाएगा तो कब दिखाएगा? तो डेफिनेटली बिटकॉइन की बारी है, और बिटकॉइन जब टर्न लेता है तो बहुत तेज लेता है। अगला 2-3 दिन नजर रखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखा रहा है बिटकॉइन, तो नजर रखूंगा, और कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पर जरूर दूंगा लिंक, अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ, ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट crypto.com को विजिट कर सकते हो दोस्तों। तो फिलहाल आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।